नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीमा हैदर की लव स्टोरी पर बनी फिल्म कराची टू नोएडा की रिलीज डेट आई सामने। प्रेगनेंसी में भी कर रही एक्शन सीमा हैदर अपने प्यार के लिए चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई। सीमा हैदर की कहानी हर कोई जान गया है। जब से सीमा हैदर अवैध रूप से भारत आई हैं, तब से वह सुर्खियों में बनी हुई हैं। यही वजह है कि फिल्म निर्माता अमित जानी को यह कहानी दिलचस्प लगी और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का ऐलान भी कर दिया। आज यानी 28 अगस्त को जारी किया जाएगा पोस्टर। रिलीज के लिए फिल्म के मेकर अमित जानी मुंबई पहुंच गए हैं। वहीं अमित को पाकिस्तानी व्यक्ति को फिल्म में लेने और उस पर फिल्म बनाने को लेकर लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख भी किया है। ये मामला चल ही रहा है कि इसी बीच अब अमित जानी ने इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। सीमा सचिन की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा अपने पति को छोड़कर चार बच्चों के साथ अपने प्यार सचिन के लिए भारत आ गई। इसके बाद सीमा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद अमित जानी ने इस लव स्टोरी पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। फिल्म का नाम कराची टू नोएडा रखा गया है। इसमें सीमा हैदर भी बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। इन सब के बीच अब इस फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। अमित जानी ने इस फिल्म को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को रिलीज करने का फैसला किया है। वहीं फिल्म का पोस्टर सोमवार यानी 28 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।